you then? For your keep somebody in a loop, लेकिन दूसरों को वो इसलिए भी होता नॉर्मली बहुत सारे लोग बुरा मान जाते हैं कि आपने हमें ईमेल भेज दी जो फलाना को कॉपी में क्यों रखा, उसको ये समझ में नहीं आता कि सामने वाले को भी नोटिफाई करना या कुछ रिपोर्टिंग है। मॉकर जब ये नॉर्मली आप इसलिए यूज कर रहे होते हैं कि देखो उसके लिए ईमेल आएगी, ये देखो मैं इसको बता रहा हूं, ये गड़बड़ होती है इफ दिस बीसीसी पर्सन डिसाइड्स टू रिप्लाई। हां वहां पे वहां पे काम करते हैं तो ये खतरनाक इससे होती है, यहां पे ही रह लो अच्छी बात है। अगर अगर इस चीज़ में अगर आप यूज़ करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने ईमेल भेज दी उसको रीसेंड करना फॉर इन्फॉर्मेशन, और दूसरे किसी कस्टमर को अगर इन्वॉल्व करना है कि भाई आपको ये इन्फॉर्मेशन में बात है तो हम उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं ईमेल दोबारा बजाय बीसीसी में रखने के, क्योंकि वही बात है उसने रिप्लाई कर दिया तो ये यहाँ पे फोकल पर्सन है इस वॉल पर भाई अब तो मैं नहीं आता, सही है ना। अच्छा एटिकेट्स भी इसमें ये होते हैं कि आप सीसी में ये नहीं क्या सारे गांव को रख दिया, अम्मी को रख दिया, अबू को रख दिया या दूसरे डिपार्टमेंट का ही भाई मेरी चाय पे रखी, मैं नहीं पीता नहीं चाय तो सीसी में एटिकेट्स ये होते हैं कि कंसर्न बंदे को ही रखा जाए तो आपको आपको पता है कि वो भी अंडरस्टैंड करेगा कि हाँ इसको क्यों रखा गया, उसके डायलेमेंस क्या है। ऐसा ना हो कि आपने जो है किसी पीएल को ईमेल करी या सलमान अली को ईमेल करी फलाना काम हो गया वो सीसी बॉस तो क्या होगा, ये पूरा मान जाएंगे सही है ना, तो फिर बीसीसी में रखेंगे। तो इसलिए आप रेलेवेंस रखनी है कि हाँ भाई अगर इनके लिए कोई मसला है तो आप रखें तो मसला नहीं, लेकिन रेलेवेंस होनी चाहिए इसको भी आप कॉपी में रखेंगे। आपकी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक खतों खिताबत ही है ना, तो वो खत आपको फिर वो सामने वाला भी फील करता है कि आप किस चीज़ को पढ़ा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अलावा सी 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 हो गया, बी सी सी हो गया, उससे क्या होता है कि आपकी कम्युनिकेशन क्लियर हो जाती है ना। अगर आपने मैनेजर को या सबॉर्डिनेट को या पेयर को आपने नहीं बताया क्या चल रहा है तो अगर कोई अचानक से कोई काम आया तो एकदम से परेशानी आ जाती है कि हुआ क्या। इसमें हमने ये किया हुआ था कि अपनी इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए एक सीक्रेट ग्रुप बनाया हुआ था और उसमें वो जिसको भी करना होता था टैग करके कर देते थे, उसके कमेंट्स में आंसर आ जाता था, ईमेल में सब्जेक्ट भी थोड़ी बन जाता था और टैग भी हो जाता था, ईमेल भी चल जाता था। डाउनलोड करता है फिर खोल के देता है तो अगर आप अवर्स कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। उसके लिए अगर आप जीमेल यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसके लिए सर्विस है पहले डॉक्सर तो ड्राइव होता है। नॉर्मली जो है तकरीबन 6 महीने से मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल नहीं है, सारा काम मेरा चल रहा है इसके ऊपर। गूगल ड्राइव से क्या काम होता है कि आपकी जो अटैचमेंट्स हैं वो खत्म हो जाती है। अटैचमेंट से ये भी पता चलता है कि आपने एक अटैच करके भेजी, उसे कोई चेंजेस करी, हाँ पहले सुनने पे देखेंगे इनोवेशन।
तो सर इसी अटैचमेंट में फर्क पड़ता है कि आपके डिफरेंट वर्जन बन जाते हैं चीज़ होगी फाइल्स के डॉक्यूमेंट्स अगर खासतौर पर, तो उसके वर्जन से बचने के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप उसके डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन रखें और वो एक लिंक शेयर करें कि भाई ये लिंक है प्लीज़ गो थ्रू, वो एक क्लिक करता है और वो पूरा पेज खुल जाता है, जो भी डॉक्यूमेंट होता है वर्ड हो एक्सेल शीट हो PowerPoint हर डॉक्यूमेंट में आप लोगों को परमिशन देते हैं कि इस बंदे को ये वाला डॉक्यूमेंट खोलने की परमिशन है तो वो खोल लेता है, अगर आप कहते हैं एडिट भी कर सकते हैं राइट देते तो एडिट कर लेगा वरना वो व्यू ओनली पे रहता है, तो उससे क्या होता है कि अगर आपने वो सेंड कर दिया सही है तो आपने कहा वो हो मुझसे गलती हुई ब्लंडर हो गई आपको तो ये चीज़ सीखनी थी, तो आप किसी से जाकर फॉरन एडिट करके इसको सही कर सकते हैं क्योंकि तब तक वो लिंक खोल के देखेगा तो अपडेट हो चुका होगा, एक लिंक पे आप कॉन्स्टेंट अपडेट करते रह सकते हैं और वो आपको बार बार डिफरेंट वर्जन नहीं होता कि भाई इसका डॉक्यूमेंट मैंने एडिट कर दिया है या आप वो कर लें उसके बाद रिव्यू करें, फिर आपने रिव्यू करा फिर उनके पास ईमेल किया फिर उन्होंने डाउनलोड करा फिर डाउनलोड कर के पास समझ में नहीं आ रहा कौन सा वाला फाइनल वर्जन है, ये भी आती है कि भाई आप उसकी कन्फ्यूजन आ गई है कौन सा वाला चेक करें, तो खैर ये ड्राइव का टोटल अलग चाहिए तो वो कोलैबोरेशन डॉक्यूमेंट बनता है डॉक्यूमेंट जो होता है ये शेयर जब हो जाता है तो एक वक्त में बहुत सारे लोग बैठे हैं जितने हम लोग ग्रुप है एक ही डॉक्यूमेंट बैठ के काम कर सकते हैं, इतना भी तुम कॉन्क्लूजन की हेडिंग देख लो मैं इंट्रोडक्शन बना रहा हूँ तुम समरी देख लो सही तो एक ही डॉक्यूमेंट सेव हो रहा होता है और साइट पे चैट की विंडो होती है कि भाई तुमने ये क्यों लिखा है, वो बता रहे भाई यूँ लिखा है क्योंकि ये मैंने लिंक उठाया तो उसमें ये लिखा हुआ, तो साइट पूरी चैटिंग चल रही थी ग्रुप चैट कि डॉक्यूमेंट में कौन चेंजेस कर रहा है क्या कर रहा है, अगर किसी को सजेशन देने के तुम इस पर ये चीज़ इंक्लूड कर लो तो सारी चीज़ें गूगल डॉक्यूमेंट हमें दे देता है, वही गूगल डॉक्यूमेंट तब आता है जब हमारे पास ईमेल का काम होता है, ठीक है अटैचमेंट हो गया, अब क्या है नेक्स्ट बॉडी, ईमेल की बॉडी में सिंपल सी चीज क्या है स्टार्टिंग जब हम करते हैं फॉर एग्जांपल हम आपके जो मेल से भेजने को भेज रहे हैं आपको बोला ना क्या एलिजिशन तो हम रिस्पेक्ट से स्टार्ट करते हैं डियर या रिस्पेक्टेबल, अगर फॉर्मल ईमेल भेज रहे हैं तो मिस्टर आगे क्या आएगा जब भी आप किसी फॉर्मल सीईओ को या प्रेसिडेंट को ईमेल भेज रहे होते हैं तो अगर हम लिखें अमेरिका के प्रेसिडेंट को ईमेल भेज रहे हैं कौन सा नाम मशहूर है अगर कोई फीमेल अपना नाम बोलता है तो हम क्या मिस सिद्दीकी मिस कौन सा क्या मतलब होता है किसी को भी लेडी को जब एड्रेस कर रहा हो तो एमएस लिखता है आपको पता होता है शादी शुदा है लेकिन मिसेज नहीं लिखते रिस्पेक्टेबल वे क्या है कि उनको एमएस लिख दें आप कोई हाई पोजीशन पे हैं तो उनको मैम भी लिख सकते हैं मैडम से भी खिताब कर सकते हैं, तो ये इसकी स्टार्टिंग लाइन बनती है। अच्छा दूसरी लाइन जो आती है नॉर्मली अब जो पेन एरोस में आप उसको विश करते हैं जैसे अगर मेरी ई मेल आती है असाइनमेंट की तो दूसरी लाइन में क्या होता है होप यू आर डूइंग वंडरफुल अच्छा अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छा लगता है नॉर्मल मुझे कोई बोले कि वो हाउ आर यू डूइंग फैंटास्टिक मैं बोलूं वाह वाह बिल्कुल मतलब दम दम लगा रहा हूं तो आप एड्रेस करते हैं तो खुशी की बात हो आप किसी बंदे से मिलते हैं अच्छे से मिलेंगे क्या होगा आपको खुशी होगी आपको अच्छा सा फील होगा बार बार मिलना चाहेंगे आप बोले दर्द ये काम कर दो पढ़ के खुशी नहीं हुई दोबारा असाइनमेंट आ गया तो उसमें मैं सही नहीं करता
ऊपर तो मैंने खुशी रखी थी लेकिन मैंने नीचे और खुशी दी लेकिन यू नो इट्स सैंडविच ना और हां नीचे आकर मैं हैप्पी लैंडिंग भी आया था हैप्पी लैंडिंग किया है तो बॉडी के बेसिक फंक्शन की होता है कि आप एड्रेस सही करो उसको नाम की उसकी रखी कर्टेसी बाद में आप उस पर एक विशिंग की लाएंगे प्रेयर्स की लाएंगे पूरी पॉजिटिव बात लिखें बाद में अपना मकसद बयान करें और एंडिंग विद अ हैप्पी एंडिंग जो भी होता है कि आप विशिंग यू फलाना हैव अ ग्रेट डे समथिंग फॉर योर स्कूली योर थैंक्सफुली फुली जो अमेरिकन फॉर्म में ज्यादा चलता है थैंक्सफुली जनरस फॉर्म में आज के ज्यादा पॉपुलर हो रहा है बॉस को मेल कर सकती तब भी वो खत्म हो गया योर सुपरिटेंडेंट खत्म हो गया वो अपनी होता है बॉस के लिए अब नॉर्मली आता है बस रिगार्ड्स बस रिगार्ड्स नहीं सर पहले सेंटेंस को बोल लेते हैं रिगार्ड्स ये तो लग रहा है टूली जो अमेरिकन फॉर्म में ही तो आया नहीं इससे पहले वाला जो आप एंडिंग सेंटेंस वो दोबारा एंडिंग सेंटेंस बॉस के साथ इंग्लिश पर बात होने वाली आगे बताता हूं किस तरह से करनी है ये एक जनरल सिनेरियो है कि किस तरह से कंपोज होनी चाहिए टूली से होता है क्योंकि आप ये बॉस को भी कर सकते हैं आप कस्टमर्स को भी कर सकते हैं बेसिकली ट्रस्टेबल रिलेशनशिप की निशानी होती है आप कोई ट्रस्ट गेन कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट आज आप क्या और कुछ रह गया साइन बटन से पहले होता है साइन बटन से पहले की बात होता है लेकिन अभी सबसे पहले कि जो आप ईमेल भेज रहे हैं तो ईमेल में जो आपकी प्रोफाइल है प्रोफाइल इन्फो वो कंप्लीट होनी चाहिए अच्छा जैसे मेरा नाम है मेरा नाम क्या है पूरा नाम क्या है हाँ मेरा नाम है मोहसिन सिद्दीक मैं ईमेल में लिखूँ फर्स्ट नेम मेरा मोहसिन दूसरे को मोहसिन मोहम्मद सिद्दीक तो ईमेल में जाएगा तो कैसा आएगा नहीं आएगा ना पूरा नाम अजीब सा वो जब वो इनबॉक्स में नजर आ रहा होता है तो नाम इन दो लाइनों में नजर आ रहा होगा तो ये क्या होगा अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं करेगा तो आपका नाम Thank you.
क्या कुछ है। एक और चीज मैंने पहले अपना जो सेटअप करता डाला हुआ था फेसबुक पर, मगर किसी ने मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया उस पे, फाइनली आई रिमूव्ड इट। आई सी के आप लोग सबके पहले रॉन्ग कॉल्स तो वैसे भी आती हैं, ऐसे भी आती हैं नंबर तो वैसे ही चल रहा है, डाटा अपना आउट हो गया तो वो आउट हो गया, बिना उनके कोई कमबैक नहीं है। बॉट्स लगे होते हैं, ईमेल एड्रेस कनेक्टर होते हैं, नंबर कनेक्टर होते हैं, तो ला चुका होता है उनका समझ ही नहीं है। द मोर यू मेक योरसेल्फ ओपन अवेलेबल द मोर अपॉर्चुनिटीज विल नॉक एट योर डोर। नॉर्मली मेरे पास ऐसा भी होता है कि सुबह जब मैं उठता हूँ तो कॉल से उठ रहा हूँ, फ्री कॉल आती है, लेकिन उसमें से ऐसी ऐसी भी कॉल होती है जिसको अटेंड करने के बाद मुझे कुछ खुशी महसूस होती है, हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ, या ये डील बन सकती है, नहीं बन सकती ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, वो अपॉर्चुनिटीज आती है। तो ये होना चाहिए कि आपको फिल्टर आउट करना आना चाहिए कि बहुत सारी अंदर अगर कॉल्स मिल जा रही होती है मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करता, मैं सिर्फ मैसेजेस पर बात करता हूँ, या ब्लॉक लिस्ट लगी हुई ज़्यादा कुछ अटेंड करने वाला होता है तो वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है। तो अगर एक नंबर नहीं अगर तंग करा तो उसके बाद फिर लाइफ टाइम के लिए ब्लॉक होगी, तो दोबारा नहीं करेगा, फिर रेंज बढ़ती जाती है तो तंग करने वाले भी कम हो जाते हैं। पिक्चर्स लगी सबकी ना, लगा नहीं लेंगे, लगानी है, लगाने में ना ये वीडियो देख लेंगे थोड़ा मसला हो जाता है। हो गया नहीं, इतना नहीं होता है।
पास ही थे उसका चेंज तो नहीं किया वापस में बताएगी नहीं बताऊंगा।